अधिक समय ना लेते हुए उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी अध्यक्ष आए, उससे पहले माननीय प्रधानमंत्री जी के अभिनंदन के लिए यहाँ के यशस्वी जिला अध्यक्ष श्रीमान अवधेश कटियार जी से और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से आग्रह करता हूँ कि भगवान श्री राम का राम दरबार स्मृति चिन्ह स्वरूप भेंट करके स्वागत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी। पंक्ति के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के उत्थान के लिए, राष्ट्र की एकता अखंडता के लिए संकल्पित विश्व के सबसे शक्तिशाली नेता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का उन्नाव के धरती पर हम सब हृदय से स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। मित्रों, केवल एक शब्द, मित्रों, हमारे मंच पर विराजमान आदरणीय साक्षी महाराज जी, आदरणीय कौशल जी, आदरणीय हृदयनाल सिंह जी, मंच पर उपस्थित सभी नेतागण, मित्रों, इस चुनाव में मैं घूमते फिरते एक दलित महिला के पास पहुंचा। मैं पूछा, मां वोट किसको दोगी? वह मां ने कहा कि अपने बेटे को दूंगा। हमके बेटा कौन है? बोला, मेरा बेटा रिक्शा चलाता है। तो फिर क्या चुनाव लड़ रहा है क्या? बोला, मेरा एक बेटा चुनाव लड़ता है, मैं उसको वोट दूंगा। नेताजी, मैं इस बिल्डिंग के सामने रहता हूं, जीवन मेरा निकल गया दादा परदादा से। पहली बार मेरा पक्का मकान किसी ने बनवाया है तो मेरे बेटे ने बनवाया है। लाइट की रोशनी भी नहीं मिलती थी, बिजली का कनेक्शन भी मेरे बेटे ने दिया है, मेरे घर में गैस का कनेक्शन भी मेरे बेटे ने दिया है। और ये जो मित्रों बाकी सभी काम, पहली बार मेरा सीना चौड़ा हो गया जब दिव्य भव्य कुंभ में उतर कर धरती पर स्वच्छता कर्मी का किसी ने पैर धोकर हम सबका सम्मान बढ़ाया। मित्रों, वह भी मेरे बेटे ने किया है। यही नहीं मित्रों, बाबा पूज्य भीमराव अंबेडकर को पंच तीर्थ नाम से किसी ने घोषित किया तो मेरे बेटे ने किया है। हमके बेटा कौन है? बोली, आदरणीय नरेंद्र मोदी मेरा बेटा है, मैं उसी को वोट दूंगा। मित्रों, एक बार मैं सादर आमंत्रित करता हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को मित्रों, और एक बार अपने स्थान पर खड़े होकर ऐसा लगना चाहिए कि स्वागत मोदी 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 मोदी। भारत माता की, भारत माता की। उन्नाव के सभी भाइयों बहनों को मेरा नमस्कार। आज इस सभा में लखनऊ और रायबरेली से भी हजारों मतदाता नागरिक भाई बहन जुड़े हैं। लखीमपुर खीरी और अन्य जिलों से भी तकनीक के माध्यम से हजारों भाई बहन हमारे साथ जुड़े हुए हैं।
मैं आज यहां से जो वर्चुअली हमारे साथ जुड़े हैं उनका भी हृदय से अभिनंदन करता हूं। आज यूपी में तीसरे चरण का चुनाव हो रहा है, ऐसा लग रहा है पहले दो चरण में भारतीय जनता पार्टी को अभूतपूर्व आशीर्वाद मिले हैं, तीसरे चरण में उस रिकॉर्ड को भी तोड़ने का मन बना लिया है। आज पंजाब से भी भाजपा के पक्ष में भारी वोटिंग की खबर आ रही है, लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में बीजेपी को वोट देने के लिए घरों से निकल रहे हैं। यूपी में आज हर तरफ एक ही गूंज है, 17 में हराया था, 22 में फिर से हराएंगे, यूपी के लोग योगी जी को ही लाएंगे। साथियों, उन्नाव की इस धरती का जुड़ाव सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी और श्रीमान रामविलास शर्मा जैसे साहित्य के महान मनुष्यों से में रहा है। मैं भी आप लोगों से अपनी बात की शुरुआत एक कहावत से करना चाहता हूं। ये कहावत गोर परिवारवादियों पर बिल्कुल फिट बैठती है और ये कहावत है, थोथा चना बाजे गना। यहां बोला जाता है ना ये कहावत, थोथा चना बाजे गना। आजकल मैं देख रहा हूं कि हमारे ये गोर परिवारवादी भी खूब डिंगे हाँक रहे हैं। पहले दो चरण में चारों खाने चित्त होने के बाद भी ये लोग अभी भी जब जब सोते हैं तो सपने देखते रहते हैं। तीसरे चरण चौथे चरण को लेकर अब बड़े बड़े दावे करने पर उतरे हैं, अब ये लोग करें भी तो क्या करें। आप मुझे बताइए, खाली बर्तन ज्यादा आवाज करता है या नहीं करता है? करता है ना, सबको पता है खाली बर्तन ज्यादा आवाज करता है, जबकि सच्चाई क्या है ये मैं आज आपकी इस धरती पर आकर के आपको बताना चाहता हूं। हालत यह है कि जिस सीट को ये लोग सबसे सुरक्षित मान करके बैठे थे वो भी हाथ से निकल रही है। आपको याद होगा जिस पिता को मंच से धक्के देकर हटाया था, जिसे अपमानित करके पार्टी पर कब्जा जमाया था, उसी से गुहार लगानी पड़ी कि मेरी सीट बचाइए। जब मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार ही अपनी ही सीट पर
असुरक्षित हो तो हवा के रुख का पता आसानी से लगाया जा सकता है। साथियों, ये परिवारवादी लोग कुछ क्षेत्रों को अपना साम्राज्य समझते हैं। ये सोचते हैं कि जो कहेंगे जनता वही करेगी, लेकिन इन लोगों को आज तीसरे चरण में उत्साह के साथ मतदान कर रही उत्तर प्रदेश की जनता कह रही है, आएगी तो भाजपा ही, आएंगे तो योगी ही। इन घोर परिवारवादियों की सरकार में संगीन अपराधों के आरोपी और माफिया मंत्रिमंडल का हिस्सा थे। तब माफिया ही सरकार चलाते थे, प्रशासन को भी सीधा आदेश देते थे, न खाता न वही, जो माफिया और गुंडे कहेंगे वही सही। ऐसी स्थिति में गरीब की, दलित की, वंचित पिछड़े की सुनवाई कैसे होती? रास्ते में तो छोड़िए, घरों के भीतर भी